अस्सलाम वालेकुम और टेक्नोट्राई में खुश आमदीद दोस्तों। सैमसंग ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया अपना नया फ़ोन जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A51। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी सैमसंग गैलेक्सी A51 के बारे में बात करने वाला हूँ, बताऊँगा आपको इसके स्पेक्स, प्राइस और दूंगा यहाँ पर अपना ओपिनियन कि फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो देखते रहिए इस वीडियो को, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ड्रॉप इट। स्टार्ट करते हैं सैमसंग गलेक्सी A51 की डिज़ाइन। डिज़ाइन जो है यहाँ पर सैमसंग ने A51 का काफ़ी बेहतरीन दिया है। यहाँ पर जो है आपको फ्रंट में फुल बेजललेस जो है डिस्प्ले मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आपको एक होल पंच वाला कैमरा मिल जाता है, और बैक में जो है आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलते हैं, और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे इसके स्पेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है, और ये पहला ऐसा मिड रेंज फ़ोन है जिसमें जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है। और इसमें सैमसंग की वन यू आई 2.0 होने वाली है, और इसका वेट 172 ग्राम होने वाला है, और इसमें ड्यूअल नैनो सिम सपोर्ट है, मतलब आप दो सिम डाल सकते हैं, साथ में एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। और इसमें जो है आपको चार कलर अवेलेबल मिलने वाले हैं, प्रिज्म, क्रश ब्लैक, वाइट ब्लू और पिंक। यहाँ पर जो ये चार कलर्स आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। इसमें 4G का सपोर्ट तो है ही, और अगर मैं यहाँ पर आपसे इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें ऑक्टा कोर 2.3 GHz वाला कॉर्टेक्स A73 प्लस 4X 1.7 GHz वाला कॉर्टेक्स A53 CPU होने वाला है, और इसमें जो है चिपसेट जो है वो एक्सिनोस 9611 का जो है चिपसेट होने वाला है 10 नैनोमीटर वाला। और यहाँ पर जो इसमें माली G72 MP3 GPU होने वाला है, और इसमें आपको जो है डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, और यहाँ पर जो इसका स्क्रीन साइज 6.5 इंचेस होने वाला है। अगर मैं इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4K का सपोर्ट मिलता है 405 BPI के साथ में, और इसमें कार्बन गोरिल्ला ग्लास 3 और यहाँ इसमें कार्बन गोरिल्ला ग्लास 3। अब मैं अगर यहाँ पर आपसे बात करूँ कार्बन गोरिल्ला ग्लास 3 की, तो यहाँ पर जो है अब जो है यहाँ पर कार्बन गोरिल्ला ग्लास 5-6 आ चुका है यहाँ पर जो है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ ना कि कार्बन गोरिल्ला ग्लास जो है वो आपको चाहे कार्बन का कोई भी गोरिल्ला ग्लास हो, 5 हो 6 हो 3 हो, वो एक जैसे ही प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ उसके नंबर्स बढ़ा दिए गए, बाकी जो है इसकी प्रोटेक्शन एक ही तरह की प्रोवाइड होती है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इसमें जो है 128 GB बिल्ट इन और 6 GB रैम वाला एक ही वेरियंट देखने को मिलने वाला है, और आप इसमें 1 TB तक का माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं, उसके लिए आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे इसके कैमरे की बात करूँ तो बैक में जो है यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो पहला कैमरा है वो 48 MP का है F2.0 अपर्चर के साथ में, वाइड एंगल लेंस है और 1.2 PDF के साथ में, और जो दूसरा सेंसर है वो 12 MP का F2.2 अपर्चर वाला 13mm अल्ट्रा वाइड लेंस है, और यहाँ पर जो तीसरा कैमरा है वो 5 MP का F2.4 अपर्चर वाला माइक्रो लेंस है, और यहाँ पर जो है चौथा और आखिरी जो कैमरा है वो 5 MP का F2.2 अपर्चर वाला डेप्थ सेंसर है। और इसमें जो है यहाँ पर आपको जियो टैगिंग, टच फोकस और फेस डिटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ फ्रंट कैम की, तो फ्रंट में आपको एक ही कैमरा देखने को मिलता है 32 MP का F2.2 अपर्चर के साथ में 25mm वाइड एंगल लेंस, और यहाँ पर आपसे अगर मैं बात करूँ इसमें ब्लूटूथ 5.0 है और USB टाइप सी है, और ये मिड रेंज फ़ोन है जिसमें आपको USB टाइप सी देखने को मिल रही है। और अब जो सैमसंग है वो अपने मिड रेंज फ़ोन में भी आपको USB टाइप सी दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 3.5mm का ऑडियो चेक भी है, और यहाँ पर आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन विद डेडिकेटेड माइक देखने को मिलती है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बैटरी की बात करूँ तो इसमें 4000 mAh की लिथियम पॉलीमर की नॉन रिमूवेबल बैटरी है, और ये भी काफ़ी अच्छी बात है, और उसमें आपको फास्ट चार्जिंग 15W भी देखने को मिलता है। अब यही वही फास्ट चार्जिंग है जो आपको इस वक्त सैमसंग के प्रीमियम डिवाइसेस के साथ भी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर जो है सैमसंग जो है हमें अपनी एक मिड रेंज फ़ोन के साथ भी 15W चार्जिंग ही दे रहा है। उसकी प्राइस जो है वो 54,000 रुपीज़ रखी गई है। अब प्राइस टैग की मैं अगर बात करूँ तो प्राइस मुझे फ़ोन के हिसाब से मुझे काफ़ी कम लगी, जितने फ़ोन में स्पेक्स हैं और जितना फ़ोन जो है
अपने प्राइस को डिजर्व करता है उससे काफ़ी कम लगी मुझे इसकी प्राइस। का डिज़ाइन भी अच्छा है, क्वाड कैमरा है इसमें और यहाँ पर इसकी बैटरी भी अच्छी है। मतलब ये जो A51 है ना, ये सैमसंग का गेम चेंजर है। ये मार्केट में इसने पूरी गेम ही चेंज कर दी है। सैमसंग को इसने बहुत जो है अच्छी जगह पे लेकर आकर खड़ा कर दिया है। और यार अगर आप एक मिड रेंज फ़ोन ढूंढ रहे हैं, आप जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप A51 ही खरीदें, क्योंकि A51 सबसे बेस्ट फ़ोन है इस वक्त मेरी नज़र में। इस प्राइस रेंज में 54,000 की प्राइस रेंज में मेरी नज़र में सैमसंग गैलेक्सी A51 बेस्ट फ़ोन है बाकी फ़ोन से। लेकिन अगर आप सैमसंग को पसंद नहीं करते तो आप और ब्रांड्स को देखें, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सैमसंग जो है आप सैमसंग गैलेक्सी A51 ही ख़रीदें। ये जो है सैमसंग का सबसे बेस्ट फ़ोन है अब तक का, और इसमें आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिला। मिड रेंज फ़ोन में एंड्रॉयड 10 आपको ये पहला फ़ोन है जो एंड्रॉयड 10 के साथ आ रहा है। तो बस भैया आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई सवाल या चाहो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए या पुराने हैं, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।